दूसरी बार सरकार बनाने के लिए मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देने वाराणसी जाएंगे। इस बीच पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। दरअसल वाराणसी से अपना नामांकन भरने के बाद पीएम मोदी यहां नहीं आए थे और खुद को जिताने की जिम्मेदारी यहां के निवासियों पर छोड़ दी थी, जिसके बाद वाराणसी की जनता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उन्हें रिकॉर्ड जीत दिलवाई। अब वाराणसी की जनता का धन्यवाद करने पीएम खुद जा रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 10 बजे के करीब वाराणसी पहुंचेंगे। सबसे पहले वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे। वहीं पूजा और दर्शन करने के बाद दोपहर 12 बजे वो दीनदयाल हस्तकला संग्रहालय पहुंचेंगे, जहां लोगों का धन्यवाद करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी हो गई है और उसमें पूरे रोड पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है और साथ ही साथ प्लेन क्लोथ में भी कुछ डिप्लॉयमेंट सभी स्थानों पे रहेगा। पूरी तरह से हम लोग अलर्ट है, पूरी तरह से तैयारी प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम की हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी का जो रूट है उसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पुलिस लाइन से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक। यहाँ के वाराणसी के सांसद चुने जाने के बाद जो अपार जन समर्थन यहाँ के लोगों ने दिया और जो उनके प्रति प्रेम और स्नेह व्यक्त किया, तो उसका एक आभार प्रदर्शन तो नहीं कर सकते। वो अपने परिवार के बीच में आ रहे हैं, काशी उनका एक तरह से परिवार है, वो काशी के बेटे हैं, पुत्रवत भाव रखते हैं, काशी के लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, वो काशी से उनका इतना प्रेम है, इतना लगाव है। बाबा जो है देवाधिदेव हैं और पूरे पृथ्वी के प्रथम शिवलिंग के रूप में पूजित होते हैं। भगवान का नाम आदि विश्वेश्वर है। परम सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा विश्वनाथ की पूजा करेंगे, जैसे 2014 में विधि विधान से किए। जो दिव्य मंत्र होंगे, जो दिव्य सामग्री चढ़ेगी, वो सब बाबा के चरणों में ही समर्पित होंगे। ये उनकी महानता है, व्यस्त बहुत हैं, उनका इतना कह देने ही बहुत है हम लोगों के लिए, और अच्छी बात है, आ रहे हैं तो सबका उत्साह वर्धन होगा। हम सोचते हैं कि सारे देश की यही भावना है जो हमारी भी है, कि उन्होंने बड़ी सिंसियरिटी के साथ, बड़े मन और लगन के साथ परिश्रम किया है और उनके मन में जो भावना है वो स्पष्ट हैं, कहते भी हैं, संतुलित हैं। आजकल जो उनका भाषण हो रहा है पार्लियामेंट में जाने के पहले, उसमें वो तमाम अपनी भावनाएं रख रहे हैं, जो देख सुनने में ठीक लग रहा है।